तो गाइस सुबह की बज रही है 4 और आपका भाई धन्नो के साथ निकल गया है, कहीं और दूर चलेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं गुरुद्वारे पे, माथा टेक लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को पीछे 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 जाओ माँ। तो चलिए चलते हैं, शायद बारिश भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले गुरुद्वारे चलते हैं, माथा देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो आपका भाई ने कर दिया है शुरू जर्नी, तो चलिए चलते हैं आज हमारे डेस्टिनेशन की ओर, कहाँ तक जा पाते हैं रास्ते में बताएंगे कि क्या किया था आज मैंने। तो चलिए आज मैंने कौन सा डिसीजन लिया कि चैलेंज लिया है एक छोटा सा, तो चलिए चलते हैं। सुबह की टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा टाइप दिख रहा होगा, थोड़ा बाद में आ जाएगा सूरज उगने का बाद बढ़िया से आप लोग क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका भाई करने वाला है 110 रुपये वाला चैलेंज, मतलब ट्रैवलिंग चैलेंज। तो आपका भाई आज चले जाएगा 110 रुपये में कितना दूर तक जा सकते हैं, तो उस पर करेंगे आज बनाएंगे वीडियो। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। नगाँव का सरायघाट ब्रिज, तो देख सकते हैं हमारा नगाँव का सरायघाट ब्रिज, और ये हमारा छोटा सा नन्हा सा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे लगा हुआ है, आपका वाटर सप्लाई का पंप देख सकते हैं। देखिए ये है वाटर सप्लाई का पंप। तो इस जगह को कहते हैं सामोगुरी, और इस रोड से ही जाएंगे आपका सामोगुरी, कौन सा है सामोगुरी कॉलेज, कहाँ जाएगा सामोगुरी कॉलेज सामने ही है, वहाँ नहीं जाने वाला और मुझे निकलना होगा, दूर तक जाना है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। तो चले बने रहिए, आपका भाई ने अब तक चला लिया है करीब करीब 1 घंटा जैसा साइकिल। तो थैंक यू फॉर धन्नो, तो इतना दूर तक साथ दिया तो और भी देंगे। तो चलिए चलते हैं, इतना दूर आ गया, करीब करीब अभी 6 बज गया होगा, तो भूख भी लगे, तो देखते हैं और आधा घंटा जितना चलाऊंगा उसके बाद मिलेगा शायद से आमोनी, तो वहां पे जाके करेंगे हमारा ब्रेकफास्ट। तो चलिए चलते हैं आराम से। ये देखो जी, चलो आप चलो। हम तो निकलेंगे यहाँ साइड से। तो गाइस प्लान ऐसा था कि मैं थोड़ा और आधा घंटा तक चलाऊंगा साइकिल, तो उसके बाद आके हम लोग करेंगे हारमोनी पे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आके देखा कि दुकानें खुली रही है, होटलें खुली रही है, दो तीन दुकानें खुली है, तो उसमें कुछ खास नहीं मिला। तो चलिए भूख भी इतना नहीं लगा है, तो आगे चलते हैं और वहीं पे देखते हैं आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वहीं कुछ खा लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, और थोड़ा सा मैं आमोनी का कुछ व्यू दिखा देता हूँ। थोड़ा दूर पहुंचने के बाद ही, थोड़ा दूर आगे आने के बाद ही हमें मिल गया है हमारे इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा कैंप, जो
है हम लोगों का एक मिसा कैंप बोलते हैं, जो है मिसा पे अमोनी के बात ही मिलता है। मिसा मिसा बोल के एक जगह है हमारे नगाँव में, तो उस जगह पे हमारे आर्मी का कैंप है, यहाँ का बहुत ही बड़ा आर्मी का कैंप है। बट मैं आप लोगों का वो कैंप नहीं दिखा सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के वजह से वो कैंप हम नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे तो आप फोटो सेशन तो क्या, ड्रोन तो क्या, मतलब आप फोटो सेशन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सॉरी गाइस कि आप लोगों को उसका व्यू मैं नहीं दिखा पाया। तो ये हम लोगों का सीक्रेट है, तो इसीलिए हम लोग को सीक्रेट रखना भी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो पे, तो चलिए चलते हैं आगे। गाइस थोड़ा बहुत गुंडा गुंडी शुरू हो गया है, तो रुकने का कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं आगे चलते हैं, दिखाई नहीं दे रहे। गुंडा गुंडी शुरू, तो आगे देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तो गाइस ठहरने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा दुकान टाइप का कुछ है, तो यहीं पे मिल गया है, तो रुका हुआ हूँ। और देखिए बाहर हो रही है बारिश, तो रुक गया हूँ थोड़ा टाइम के लिए। जब तक बारिश नहीं रुकते तब तक रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो बारिश रुक गया है और अभी हम लोग निकलते हैं। चलिए तो चलते हैं, चलो धन्नो निकलो बाहर। हाईवे से बहुत ही नीचे आ गए हैं हम लोग, मतलब उतर के थोड़ा सा पैरों में देखिए कितना सारा कीचड़ मिट्टी लग गया, लाल मिट्टी, और ये मिट्टी हटने का नाम ही नहीं देते हैं। तो चलिए चलते हैं बने रहिए। तो गाइस बारिश की वजह से मैं मास्क लगा लिया है, क्योंकि आगे से जाती हुई गाड़ी, साइड से निकलती हुई गाड़ी पानी उड़ाती हुई चलती है, तो इसीलिए। और इस जगह का ये मालूम नहीं कि गड्ढे पे रास्ता है या रास्ते पे गड्ढा है, मालूम नहीं। आपको दिखा देता हूँ, देखिए देखिए रास्ते पे गड्ढा, गड्ढे और गड्ढे पे रास्ता। आप लोग कमेंट करके बोलिए किस पे है ये रास्ता, रास्ते पे गड्ढे या फिर गड्ढे पे रास्ते। तो चलिए चलें। तो गाइस अब मिल गया है पूरा पराठे वाली रास्ता रोड, आप लोग देखिए मस्त वाली रोड है, कोलिया बरगा रोड, पूरा नेशनल हाईवे। तो आप लोगों का बहुत ही मस्त है, देखिए। मैंने देखा कि एक पिलर पे देखा था माइलेज पोस्ट में, तो बोकाखाट है आप लोगों का 73 किलोमीटर यहाँ से। तो इतना दूर तो मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जा तो पाऊँगा लेकिन आते आते आपका रात का करीब 9-10 बजेगा, और मम्मी पकड़ के पिटाई भी करेगी। इतना दूर जाने का क्या ज़रूरत है। तो चलिए जितना दूर तक जा सकते हैं तो जाएंगे, तो देखते हैं कितना दूर पहुंच सकते हैं। देखते अभी तो बज रहा है करीब करीब 7:30 बज चुका है, तो अभी पहुंच चुका हूं मैं कोलियाबर सारियाली। मस्त जगह है, मस्त रोड है, और बने रहिए वीडियो पे। फाइनली पहुंच चुका हूँ जोखला बंधा। ये जोखला बंधा का शौक है, आप लोग पीछे देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा एक बढ़िया सा होटल या ढाबा, उसको ढूंढते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं। लेकिन सारा का सारा दुकानें बंद है क्योंकि आज संडे है। ये है जोखला बंधा, कोई होटल नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा हो गया, चलिए नील गगन को यहीं पे कुछ खा लेते हैं। राजलक्ष्मी, तो आके आते राजलक्ष्मी मिल गया है, तो यहीं पे कुछ खाएंगे। एक छोटा सा ढाबा है लाइन ढाबा, तो यहीं पे कुछ खाते हैं।
बढ़िया सा ढाबा, तो सबसे पहले जाता हूँ मैं अपना मोबाइल डाउन करने, क्योंकि बहुत ज़ोर से लगा है। ये भैया लोग ने कोविड के वजह से, आप लोगों को देखिए टेबल भी कितना मस्त से सजाया हुआ है, एक साइड एक और दूसरी साइड और एक, क्योंकि चार जन को बैठने के अलाउ नहीं किया है, दो जन को, दो साइड में सिर्फ दो जन, सभी साइड में एक जैसा ही है। देखिए सिर्फ एक एक टेबल पे दो का है, आपका भाई का आ गया है ऑर्डर, और दिखा देता हूँ आपका भाई ने क्या ऑर्डर किया था। बढ़िया सा पराठा, पूरी टाइप का है ये पराठा, मगर मस्त है। तो देखिए बहुत सारा है, दाल है, सब्जी है, थोड़ा सा कुछ का भाजी है, खीर भी है, अचार है, नींबू और प्याज भी है। तो देखिए मस्त है, और आके खाइए और देखते रहिए। तो आपका भाई करता है शुरू, तो आप भी खाइए। बस आपका भाई का हो गया है पेट फूल, और अभी है अंकल जी को पैसा देते। अंकल जी ले लिए 50 रुपये, खा लिए 50 रुपये, और मेरा पास है सिर्फ 60 रुपये। तो चलिए आज का चैलेंज जो था मेरा कंप्लीट होने ही वाला है। हेलो बोल दीजिए अंकल, आपका नाम? रामोदार कुमार। जोर से बोलिए, रामोदार कुमार। हाँ, तो अंकल जी का नाम वही है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। और यहाँ पे मिठाइयाँ भी है, मेरे गुलाब जामुन, और ये क्या है मुझे नहीं, लड्डू है, और भी बहुत सारे। चलो गाइस चलते हैं अभी हम लोग का जर्नी पे। और ये है भैया जी, दुकान के मालिक है ना, आपका नाम? मोहन। ये मैं मजा आ रहा हूँ गला मार। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये होटल का नाम क्या है, होटल राज लक्ष्मी। तो आइए यहाँ पे दफला बंधा पे है, तो आइए, नीट एंड क्लीन है, घर का जैसा फील होगा, आके खा के देखिए टेस्ट भी मस्त है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, तो हम लोग चलेंगे उस साइड। और रह गया 60 रुपीस, तो घर तक कितना रहेगा, घर तक पहुंचने तक कितना रहेगा मालूम नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे तक, पेट फुल हो गया तो लगभग आपका 4 घंटे तक तो कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे। तो चलिए चलते बस, चलते चलते पहुंच गए हैं हम काजीरंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और आप लोगों को दिखाएंगे द नेचर मदर का ब्यूटीफुल साइट्स। और वो देखिए बादल पहाड़ों पर लगे हुए हैं, तो मैं पूरा वीडियो तो आप लोगों को बना के नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मतलब पूरा जगह का तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटा छोटा क्लिप्स आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो चलिए और बने रहिए, ये मस्त नज़ारा और चलती हुई ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए और भी चलते हैं उसके पास, और साइड से अरे डेरे रास्ते से जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे बिना स्किप किए। चलिए आप लोगों के लिए कहां से कहां पहुंच गए वो भी साइकिल से। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी ना ही भूलिएगा। एक रूल है कि आप लोग इस जगह से अगर क्रॉस करें गाड़ी लेके, तो 40 के ऊपर आप लोग गाड़ी का स्पीड नहीं होना चाहिए, वरना और यहाँ से तो क्रॉस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को जाके आगे का जो चेक पॉइंट है वहाँ पे आप लोगों को पकड़ लिया जाएगा, और मोटी सी रकम देनी पड़ेगी, मतलब फाइन भरनी पड़ेगी आप लोग। जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मोटी रकम फाइन हो सकती है, तो देखिए फाइन 5,000 तो देना पड़ेगा अगर आप 40 से ऊपर जाए, तो 40 के ऊपर अगर गाड़ी चलाएंगे तो इस जगह से, तो आप लोगों को 5,000 तक का फाइन हो सकता है। तो और एक भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फाइन 9,000, तो उससे तो अच्छा है 9,000 का टेल भरिए, 40 के स्पीड से यहाँ से निकलिए, तो बिंदास आप लोग 9,000 से तो करीब बहुत ही दूर चले जाएंगे। और
चालान काटने से बचे, 40 के स्पीड में रहिए और पीछे का ये व्यू आप लोग देखिए, है ना बढ़िया। साइकिलिंग का यही मजा है कि आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी रोक के बढ़िया से और इधर उधर का चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे जाएंगे तो आप लोगों को कुछ भी दिखाई देगा, वो पीछे का और एक नज़ारा दिखा देता हूँ। अगर ये सब दिखने को मिल जाए ना आप लोगों को, आपका थकान कहाँ भाग जाता है वो मालूम नहीं था। और भी आगे जाएंगे और यहाँ पे है एक रिजॉर्ट चौपाल, दिख रहे हैं चौपाल नाम का एक रिजॉर्ट है, पूरा रिजॉर्ट सही है। गाइस पहुँचते पहुँचते एक बढ़िया सा रिजॉर्ट के सामने पहुँच गया हूँ और इसके पीछे ही मेरा पीछे आप जो मेरा आगे है सामने है एक बढ़िया सा व्यू और उसमें एक चीज़ है आप लोगों को दिखाई दिया होगा। और इस रिजॉर्ट का नाम है खोलम, लेकिन असमीज में होगा खुलूम रेस्टो का नाम। और ये रहा सारू और का व्यू और सामने हमारा किंग कॉन्ग भैया हेलीकॉप्टर ले ना, मस्त है ना, कैसा लगा? तो चलिए आप लोगों को दिखा दिया, तो आगे बढ़ते हैं सामने की ओर। बढ़िया सा चीज़ मैं दिखा देता हूँ, आप लोग लेफ्ट साइड में देखिए और मेरा स्पीड देखिए 18, 20, 21, 22, 23, 28 और यहाँ पे ब्रेक मार दी, रुक गया ना, यही आपको मॉनिटर करता है। देखा आप लोगों ने पीछे से आ रही है कार, गाड़ी ये देख रहे हैं और गाड़ी का स्पीड देखिए 36। तो आप लोगों को मैं पहले भी बोल दिया था, इन लोगों ने कड़ी निगरानी रखा हुआ है कि आप लोगों का स्पीड लिमिट कितना है, यहीं से आप लोगों का शुरू होगा। और भी दिखा दूंगा, ये स्पीड लिमिट टेस्ट है, आप लोगों का चेक होते रहेगा स्पीड लिमिट। और यहाँ पे एक कैमरा भी है साइड में और आप लोगों को दिखा दूँ, ध्यान से देखिएगा, ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है एक कैमरा है कि नहीं? हाँ ये देखिए, ये सर्विलियंस कैमरा है, वो आप बच नहीं सकते। तो गाइस पहले ही बोल दिया था मैंने, एक सेकंड, पहले ही बोल दिया था स्पीड लिमिट में रहिए, 40 के ऊपर मत जाइए वरना मोटी फाइन होगी। कितना तक? 5 से पूरा का पूरा 9,000 तक आपका फाइन हो सकते है। तो बिंदास आइए, स्लो आइए, आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था वो मॉनिटर कैसे करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है मस्त नज़ारे, सॉरी उंगली आ गया था बीच पे। तो यहाँ से शुरू होता है मस्त नज़ारे, देखते रहिए, थोड़ा बहुत करके मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा स्पीड ब्रेकर। हाँ यहाँ का एक बड़ी ही खतरनाक चीज़ है कि स्पीड ब्रेकर्स आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, आप लोग स्पीड में आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ का स्पीड ब्रेकर्स नहीं दिखाई देगा क्योंकि काला है, दिखाई नहीं देगा, पुराना हो गया। लेकिन आप लोगों का एक चीज़ दिखा दूंगा, उससे आप लोगों को हेल्प होगी। जो आप लोगों का रोड में वाइट कलर का ऐसा पट्टी होता है ना, क्या बोलूँ, एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा के बताता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रोड के बीच पे तो आप लोग तुरंत ही ब्रेक मारिए, क्योंकि कुछ 10 मीटर ही होगा करीब उसके अंदर ही आप लोगों का स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा। क्योंकि बाइक जो चलाते हैं स्पीड में होते हैं उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, गाड़ी का कुछ नहीं होता है, लेकिन बाइक वालों के जो बाइक चलाते हैं बाइक राइडर्स होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जब फटक से आते हैं उन लोगों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और उन लोगों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो प्लीज़ गाइस
उस पट्टी को, इस पट्टी पे, पट्टियों पे नज़र रखिए और ब्रेक मारना ना ही भूलें, क्योंकि आगे क्या होगा, स्पीड ब्रेकर होगा। और मेरे ऊपर करीब करीब 4-5 बंदर भी है, आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ओए कहाँ भागे ओए। अगर कभी भी इस साइड आए तो ध्यान रखिएगा स्पीड ब्रेकर का, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 30 से 35 इस टाइप का होगा शायद इस टाइप का आप लोगों का स्पीड ब्रेकर मिलेगा। बस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पूरे पहाड़ के साइड में और आरा टेरा रास्ता शुरू। मस्त व्यू है, आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। मैं घुमा देता हूँ कैमरा तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, तो देखते रहिए। और यहाँ पे गाड़ी संभाल के गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि इस साइड का टर्न और उस साइड का टर्न आप लोगों को, एक सेकंड में गाड़ी जाने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इस साइड का टर्न और उस साइड का टर्न आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। और ये है हम लोगों का भाई, देखिए आया भूसा लेके भाग रहे, तो दिखाते हैं आप लोगों का, देखिए कितना शार्प टर्न है। तो यहाँ पे कभी भी ओवरटेक करने का सोचिएगा भी नहीं, साइड में पहाड़ और इस साइड है खाई, तो इसलिए बोलता हूँ कभी भी ऐसे टर्न पे, इस टाइप का टर्निंग पे आप लोग कभी भी आप लोग ओवरटेक ना करें, क्योंकि इस ऐसे टर्न पे ही ओवरटेक करने का वजह से बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं, कि इस साइड का व्यू और उस साइड का व्यू दोनों साइड से ही नहीं दिखाई देता है। साइकिल आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे चलो, अरे चलो, कुछ एक्सपीरियंस ना हो तो मज़ा ही क्या है। तो आ गया है मज़ा, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है, तो बने रहिए। वो आप लोगों को एक स्पॉट दिखा दूंगा, मस्त सा फोटो वोटो खींच पाएंगे आप लोग। और सुनिए, ये है एक व्यू पॉइंट, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ व्यू दिखाई देगा काजीरंगा नेशनल पार्क का। तो थोड़ा सा मैं भी दिखा देता हूँ आप सभी को। हाँ, पहले तो ये पेड़ वेर सामने का, ये सब देखो अभी गिरने वाला है। तो सामने है पूरा ये काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ से कुछ पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पेड़ों के वजह से, ये सामने का पेड़ों की वजह से। लेकिन वो सामने आप लोगों को थोड़ा सफ़ेद करके दिखाई दे रहा होगा, वो है हम लोग का ब्रह्मपुत्र। सफ़ेद करके रुकिए, थोड़ा सा जूम कर लूँ, जो थोड़ा थोड़ा ये जो आप लोगों को ये सामने जो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद करके दिखाई दे रहा है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी हम लोगों का, पूरे काजीरंगा बीचों बीच से गया है। तो चलिए थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, उसके बाद वापस जाना भी है। गाइस, तो 30 मिनट जैसा रेस्ट लेने का बाद तो वापस निकल पड़े हैं, तो आगे की ओर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टोरेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर कितना समय रखिए। अरे निकाल दिया। जो ये गाइस, जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ को बोलते हैं बूढ़ा पहाड़, पहाड़ का नाम है बूढ़ा पहाड़। अरे
गाइस ये आप लोग देख रहे हैं एक बीटल है, कितना बड़ा होगा आप लोगों को मालूम चल जाएगा। देखिए मेरे हाथ समान दिख रहे हैं आप लोगों को। ये मर गया है लेकिन कुचल गया है गाड़ी पे लगने की वजह से। तो गाइस अभी मैं हूँ काजीरंगा का बीचों बीच, तो सामने है हम लोगों का एक मेन रोड और यहाँ पे एक चाय का बागान दिखा, तो यहीं पर इसके अंदर घुस गया। तो देखने के लिए कैसा लगता है क्या लगता है, तो देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा चाय बागान। तो देखिए इस साइड और यहाँ पे एक छोटा सा घर भी है, शायद कोई रहता होगा रात को ड्यूटी पे। तो यही रहा पूरा का पूरा चाय का बागान, देख पा रहे हैं आप। तो गाइस यही है। गाइस अभी मुझे वापस जाना भी पड़ेगा घर की तरफ, तो अभी बज रहा है 11, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा घर की तरफ और मेरा पैसा भी ख़त्म होने वाला है। तो 110 रुपये का तो मेरा चैलेंज लेके आया था, तो पहले ख़त्म कर दिया मैं होटल पे 50 रुपीज़ और एक पानी का बोतल लिया, तो वो 20 रुपीज़ का था, हो गया 70 रुपीज़। रह गया कितना, 30 और 40 रुपये रह गया है, 40 रुपये रह गया था। और बीच में खाया था मैंने 2 चिप्स का पैकेट, तो उसमें रह गया है चिप और अभी रह गया है चिप मेरे पास 20 रुपीज़। तो मुझे वापस घर की तरफ निकलना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, तो अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी मारिएगा, क्योंकि उससे मुझे और भी एफर्ट डालने का मौका मिलेगा कि आप लोगों को और कुछ नया चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना आए डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी ना ही भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हो गया, आज का वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। तो वापस कभी और आगे आएंगे तो आप लोगों को आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे कैसा है कैसा था। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।